अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का मकसद ये है कि दराज जो ला रहा था 11-11 सेल, मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी सेल ला रहा था, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं उसी का जो एक स्कैम चल रहा है, एक फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब वो आज मैं आपको साबित भी करके दिखाऊंगा, अपनी वीडियो में ऐड भी करके दिखाऊंगा जो मेरे साथ हुआ है लास्ट में। देखो दुनिया में मतलब पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल चुकी है कि दराज ला रहा है 11-11 सेल, पूरी टीवी वगैरह ये वो यूट्यूब पे ऐड वगैरह हर जगह पे यही देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा यार लगे हाथ हम भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ भी ऑर्डर करूं तो उनका मतलब एक फ्रॉड, मुझे तो यार फ्रॉड ही लगा। ये ऐसा कभी हुआ नहीं, अब मेरे साथ हुआ, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा है या नहीं है वो तो ज़्यादातर आप लोगों को पता, जिसने ऑर्डर किया तो उन लोगों को पता। अब ये कि आप कमेंट्स में गालियाँ देना मत शुरू हो जाना यार, आप लोगों की आदत बहुत ही गंदी है कि आप गालियाँ बहुत लिखते हो। आती हमें भी लिखना आती है, जब हमने लिखना स्टार्ट कर दिया ना तो मतलब ये बात सही नहीं होगी। तो चलते चलते यार इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो उस दिन असल में हुआ ये था कि मैं कहीं बैठा हुआ था तो ऐड आ रहे थे, बार बार ऐड आ रहे थे, दराज ला रहा है 11-11 सेल, मतलब बहुत सी चीज़ें। तो मुझे ये था कि वैसे मैं ऑर्डर करता कम हूँ, मतलब दराज से जितनी बार भी मैंने ऑर्डर किया तो दो नंबर चीज़ें आई है वहाँ से। अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मेरी कोई जाती दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पैसे ज़रूर बर्बाद हुए इसमें जो है ना। लोग हैं जिनको सही चीज़ें मिलती है लेकिन मुझे कभी कभार लग जाती हैं, अब पता नहीं क्या सीन है। तो सीन ये हुआ कि भाई मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर लूँ, तो वहाँ पर मैंने क्या हुआ कुछ जैसे ऑर्डर करने जा रहा हूँ तो जैसे ही उस चीज़ पर क्लिक कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए, ये हो रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है एप्लीकेशन जो है ना, तो मोबाइल डायरेक्ट जाके होम स्क्रीन पर चला जा रहा है। दोबारा अगर किसी और चीज़ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी यही सीन हो रहा है कि भाई ये जो है एप्लीकेशन अपने आप क्लोज हो जा रहा है। तो मुझे पता नहीं कि ये ऊपर से कोई सर्वर का मसला था या कुछ भी, अगर ऐसा मतलब हुआ या है या कुछ भी, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। उस टाइम ये था कि मेरा काम नहीं हुआ तो मुझे यार इनका फ्रॉड लगा। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ, अपडेट किया मैंने, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया, फिर भी यही मसला दिखा रहा था। अब पता नहीं अब क्या सीन था, फेसबुक पे जो इन लोगों ने ऐड लगाए हुए थे वहाँ पर चीज़ें कुछ इन लोगों ने पोस्ट की हुई थी, वहाँ से मैं गया वहाँ पर फिर भी देखो तो भाई एप्लीकेशन अपने आप क्लोज हो जा रही है, मुझे नहीं पता। तो अगर यार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट्स करके लाजमी से बता दीजिएगा। तो सोचा कि ये जानकारी आपसे शेयर करूँ, असल में मैं अभी सो गया था, दोबारा मतलब उठाऊँ, मुझे 3-4 दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि यार वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज फाइनली मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा यार क्यों ना बना दूँ। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे कोई बात नहीं। कंटेंट यार अपलोड बहुत दिनों से मैं कहीं पर भी दोनों चैनल्स पर कोई भी कंटेंट में कोई भी वीडियो मेरी नहीं आ रही है, ये कि आलसीपन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बता नहीं सकता। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन उसको भी दबा दो। इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।